मिर्जापुर से मैं हूँ जया अवस्थी, आप देख रहे हैं सिग्मा न्यूज। लालता सिंह राजकीय महिला स्नोकतर महाविद्यालय अदलहाट में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलम टंडन ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर इसे सिंह ने किया। कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन मिर्जापुर राजेश वर्मा रहे एवं विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान समझपुर श्रीमती धर्मशीला रही। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य का स्वागत कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रेमलता लाल एवं डॉक्टर हितेश कुमार सिंह के द्वारा बैज लगाकर व पुष्पहार पहनाकर किया गया। सिग्मा न्यूज के ब्यूरो चीफ निशार अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं राजेश कुमार वर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मिर्जापुर मंडल। आज इस महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना जो सेवा योजना शिविर है उसका प्रारंभ हुआ, आज उद्घाटन दिवस है आज, और ये 7 दिन चलेगा कार्यक्रम। तो इसमें मेरा बच्चों से आज आया था, मैं इनके साथ शामिल हुआ और मैंने अपना इनको ये मेरा इनसे यही कहना था, यही संदेश था। इसी का उद्देश्य भी इस कार्यक्रम का ये होता है कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम जुड़ें, और ये जो महत्वपूर्ण काफ़ी होता है, ये कार्यक्रम होता है, बच्चों को सिखाता है कि किस तरह से आप अपना समाज के प्रति हम अपनी जुड़ाव अपना पैदा करें, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और तय कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों के द्वारा किया जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहेगा। एक महिला महाविद्यालय की हेड होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि हमारी हर छात्रा, हमारा हर बच्चा, हमारी हर बेटी खुद आपके लिए पहचान मिले, आपके माता पिता आपके नाम से जाना जाए, ना कि आप डॉटर ऑफ के नाम से जानी जाए। तो जब हम गांव में काम करने चलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैं उस वक्त कार्यक्रम अधिकारी थी जब 10 दिन का कैंप हुआ करता था, वो भी एक लड़कियों का ही कॉलेज था, और हम जब गांव में जाया करते थे ना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तो वहां पर ग्राम वासी बहुत विरोध करते थे। हालांकि ये बात आज से करीब 15-16 साल पुरानी है, तब में और अब में अंतर तो बहुत आया है, लेकिन फिर भी उस वक्त जानते हैं क्या होता था जब हम जाके शुरू से नहीं ऐसी ही रही हूँ जैसी बातें मैं अभी कर रही थी, जब हम जाके ये सब बातें गांव में करते थे अपने बच्चों को लेकर, तो वहाँ के पुरुष बहुत विरोध करते थे कि आप हमारे घर की महिलाओं को बिगाड़ने आई हैं।